बहुत तरह के समण समाज एससी एसटी ओबीसी में कार्यक्रम होते हैं, मगर जो अधिकतर कार्यक्रम हैं वो शोर शराबे वाले ज्यादा हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और जिसमें रिटर्न यानी जो पर्पज है वो बहुत कम सॉल्व होता है। क्योंकि कार्यक्रम लगने चाहिए, अगर कार्यक्रम नहीं लगेंगे तो पता चलेगा कि समाज मुर्दा हो गया है, और इतने कार्यक्रम भी ना लगें कि समाज ही मर जाए और इतना पैसा खर्च ना हो कि समाज के पास पैसा ही पैसा खत्म हो जाए। अभी जो कार्यक्रम लग रहे हैं उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आयोजक एक समिति बनाते हैं, एक दो महीने पहले कार्यक्रम की डेट फिक्स करते हैं, वो साल का एक कार्यक्रम हमेशा फिक्स करते हैं, उसमें डालते हैं कि उनका 13वां कार्यक्रम, उनका 18वां कार्यक्रम, उनका 36वां कार्यक्रम, ऐसा डालते हैं। उसके लिए उनका रूटीन पैटर्न फिक्स है, जो पैसा देने वाले लोग हैं वो भी फिक्स हैं, कुछ बढ़ जाते हैं कुछ घट जाते हैं, जितना पैसा मिलता है वो भी फिक्स है। पहली बार अगर कहीं से 1000 रुपये मिलता है तो अगली बार कोशिश करते हैं कि 1000 तो मिलेगा ही, 1500, और वो देने वाले भी तैयार रहते हैं, उनको भी फिक्स है कि आएंगे तो देना है, देना चाहिए पैसा। कार्यक्रम नहीं लगेंगे तो समाज जीवित नहीं रहेगा, समाज के जीवित होने का कार्यक्रम से पता चलता है। मगर ज़्यादा ऑक्सीजन भी शरीर को ख़त्म कर देती है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन एयर में है, अगर आपको 30% ऑक्सीजन एयर में मिली या 40% ऑक्सीजन मिली तो आप मर जाएंगे, आपका सारा शरीर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन भी जहर होती है और कम ऑक्सीजन से डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन उतनी ही होनी चाहिए। उसी तरह समाज में कार्यक्रम उतने ही होने चाहिए जितने समाज के लिए हेल्दी हैं। कम कार्यक्रम होंगे तो भी समाज मर जाएगा और ज़्यादा कार्यक्रम होंगे तो भी मर जाएगा। और कार्यक्रम पॉल्यूटेड ना हो, हेल्दी कार्यक्रम हो, अच्छे हों। तो हेल्दी कार्यक्रम कैसे होते हैं, स्वस्थ कार्यक्रम कैसे होते हैं? कार्यक्रमों के अंदर शोर बहुत मचता है, स्पीकर पे आवाज़ सुनाई नहीं देती, माइक पे क्या बोलता है उसका पता नहीं चलता, झंडों में बैनर में बिल्लियों में जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, वो पैसा वेस्ट जाता है। जो कई बार देखा गया है कि वहीं जनरेटर चलता है और वहीं पे भाषण होते हैं, जनरेटर की आवाज़ में भाषण का पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसे हॉल लिए जाते हैं जिनमें आवाज़ गूंजती है और आयोजक को ये पता ही नहीं कि जो स्पीकर बोल रहा है वो लोग सुन नहीं रहे, लोग तो खाने के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब 3 बजे और कब हमें खाना मिले और कब हम निकलें, ताकि आयोजक ये ना कहे कि जी आप आए नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आयोजन जो करता है उसमें 200 आदमी भी नहीं होते और वो एक स्क्रीन लगवा देता है, उसका स्क्रीन का पैसा बेकार वेस्ट है, 500, 700, 1000 आदमी तक भी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषण सुनना है, चेहरा नहीं देखना है। चेहरा देखने के लिए यूट्यूब है, फोटो भेज देंगे तो वो चेहरा देख लेगा, बाद में फोटो सब सर्कुलेट हो जाते हैं, चेहरा दिखाई दे जाता है, चेहरा मेन नहीं होता। आयोजन में लोग सामने से बोलें लाइव, वही काफ़ी होता है। कई बार देखा गया है कि इतने ज़्यादा पीछे बैकड्रॉप में और फोटोज़ में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं जो सिर्फ वन टाइम का खर्चा है, यानी कि एक बार जो बैकड्रॉप लगा है और एक बार जो फोटो लगे हैं वो दोबारा नहीं लगते और वो बेकार हो जाते हैं। तो वाइजली यानी बुद्धिमानी के साथ में उतने ही बैकड्रॉप और उतने ही पीछे लगाने चाहिए जितने के ज़रूरी हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आयोजन में पैसा बचाती हैं, और पैसा बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा बचेगा तो पैसा कमेगा, आगे पुस्तकालय काम आ सकता है, आगे भवन बनाने काम आ सकता है, अगले प्रोग्राम में काम आ सकता है, बच्चों को पुस्तक दिलाने में काम आ सकता है, कोई आगे कैंप और कैडर लगाने में काम आ सकता है, पैसा बचाना चाहिए। जो आयोजक में जो बोलने वाले आते हैं, आयोजक कभी उनसे पूछता ही नहीं कि वो क्या बोलने आ रहे हैं। अधिकतर जो आयोजक में बोलने वाले जो आते हैं बुलारे यानी जो स्पीकर आते हैं, वो अपना एजेंडा बोलते हैं, वो कार्यक्रम का एजेंडा नहीं बोलते। कार्यक्रम की तो एक लाइन बोलेंगे, आदरणीय फलाना महापुरुष ये महापुरुष ये, और उसके बाद वो अपने एजेंडे पे अपने मन की बात पे आ जाएंगे। कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा तो वो कहेगा राजनीति ही सारे तालुक चाबी है, कोई धर्म का आदमी होगा तो वो कहेगा धर्म ही प्रबुद्ध होना ही सारे उसकी चाबी है, कोई सामाजिक आदमी होगा तो वो कहेगा राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना, राजनीति गंदी है, कीचड़ है, तो जो कुछ है वो सामाजिक चीज ही है सारी की सारी। यानी एक ही मंच पे चार अगर स्पीकर आते हैं, चारों अलग अलग बात करते हैं, तो जो वहाँ लोग हैं वो क्या लेके जाएंगे, किसकी बात माने, तो खिचड़ी पक गई, तो आयोजन बेकार हो गया। आपने जो 1 लाख रुपया खर्च किया इकट्ठा करके समाज का,
और जो आपने महीना लगाया, जो आपकी टीम ने महीना लगाया, वो तो गुड़ गोबर हो गया, उसका तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मेन बात थी कि लोगों को मैसेज क्या देना है, उसकी तो तैयारी की नहीं आपने। आपने तो फोटोग्राफ की तैयारी की, आपने तो स्क्रीन की तैयारी की, आप जजेंडर लेके आए, आपने पोस्टर बहुत बड़े छपवाए, आपने बैकड्रॉप बहुत बढ़िया बनवाया, खाना बहुत बढ़िया रखा आपने, कुर्सी मेज बहुत बढ़िया की, टेंट बहुत बढ़िया आपका, हॉल बहुत बढ़िया आपका, सारी ताकत आपने उसमें लगाई, मगर आपने 3 आदमी की कमेटी बना के इस बात में ताकत नहीं लगाई कि जिसको आप बुला रहे हैं उसका लेबल है भी या नहीं, या खाली आपने कहीं नाम देखा बुला लिया और वो तो अपना एजेंडा बोल गया, अपने संगठन की तारीफ करेगा, अपनी राजनीति की तारीफ करेगा, अपनी चीज़ों की तारीफ करेगा, अपनी तारीफ करेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एक फ़ायदा होता है ऐसे सम्मेलनों से कि सारे लोग मिल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है। मगर उधर अगर जनरेटर जोर शोर काएं काएं करता रहे, उधर माइक इतना तेज हो कि वो चिल्लाता रहे, चीखता रहे, तो उसमें बातचीत भी आप क्या करोगे, वो भी बेकार का धंधा है। तो आयोजक जितने भी हैं वो ये देखें कि 1-2 लाख रुपया इकट्ठा करके क्या 1-2 लाख का फ़ायदा हुआ। 2 लाख रुपये आपने खर्च किए और 200 आदमी आए तो 1,000 रुपये पर हेड पड़ा, क्या 1,000 रुपये पर हेड का फ़ायदा आदमी को हुआ। अगर आप कीमत से, समय से इसके परिणाम का, गुणवत्ता का आकलन नहीं करेंगे तो आप आयोजन का फ़ायदा नहीं नुकसान कर रहे हैं। फिर आप बाबा साहब के सिद्धांत को नहीं जानते, प्रॉब्लम ऑफ रूपी बता के गए, पैसे की समस्या जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसलिए अपने पैसे का, जितना पैसा आपने लगाया है, जितना समय लगाया है, उसका परिणाम उससे ज़्यादा आना चाहिए। ये ठीक ऐसे है जैसे एक कार का टायर होता है, उस पर एक मार्क होता है कि ये टायर यहाँ तक चलेगा, उसके बाद बदल दे, और जो सियाणा होता है वो उस मार्क के बाद ही उसको चलाता रहता है ताकि 10-20 हज़ार किलोमीटर फालतू चला ले, तो वो उसकी अर्निंग होती है। 50,000 चलने वाला टायर अगर आपने 70,000 चला लिया, कम ब्रेक लगाकर, अच्छी तरह से, स्मूथ से, तो आपने 20,000 किलोमीटर का टायर कमा लिया। तो वही एक आयोजक अगर अपने कम पैसे में, कम उसमें सुविधा में, अच्छे बुला रहे, अच्छे वक्ता बुलाकर लोगों को अच्छी सामग्री देता है, तो वो आयोजन उसने कमा लिया। और लोगों से पैसा इकट्ठा करके और शोर शराबे में चला जाता है, और आयोजन में जो लोग आए, क्या बोल के गए, क्या नहीं गए, लोगों को पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, उससे लोग भी जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, आपकी संख्या घटती जाएगी, फायदा नहीं होगा, मूवमेंट को नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद। Good time.